हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 यूटिलिटी आइटम्स जो कि एज अ डेकोर भी यूज़ हो सकते हैं। पहला आइटम है मोबाइल स्टैंड। इसमें मैंने लिए हैं 9 पॉप्सिकल स्टिक्स। तो फर्स्ट मैं 4 स्टिक्स को ग्लू करूँगी। फिर 3 स्टिक्स को ग्लू करूँगी साथ में। और फिर लूँगी मैं 2 स्टिक्स और इनके कॉर्नर ए शेप में स्टिक करूँगी। अब मैंने एक स्टिक लिया है जिसको हाफ कट किया है 2 पार्ट्स में। मैंने 4 स्टिक्स को यहाँ ग्लू किया है ए शेप के ऊपर। अब मैं 3 स्टिक्स को ग्लू करूँगी जस्ट इसके ऊपर पैरेलल पोजीशन पर और ड्राई होने के लिए रख दिया। और अब मैं 2 छोटे वाले स्टिक्स को इस तरीके से स्टिक करूँगी और इसको मास्किंग टेप की हेल्प से ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब मैं इस टेप को निकालूंगी और ये तैयार है। अब मैंने इसको वाइट कलर से पेंट किया है। आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। पेंट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जिसके ऊपर मैं मोबाइल रख सकती हूँ और स्टोन जो मैंने पेंट किया है। और मैंने ये फ़ोटो फ्रेम भी रख के देखा, ये भी रख सकते हैं। अब मैंने लिए हैं कुछ स्टिक्स टेबल कोस्टर्स बनाने के लिए। इनके मैंने राउंड कॉर्नर्स हटा दिए हैं और मैंने इनको इस तरीके से स्टिक करना शुरू किया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। अब ये कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने इसको वाइट कलर से पेंट किया है। इसी तरह मैं 2 टेबल कोस्टर्स तैयार किए और उसमें मैं कोट लिख रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ कैंडल स्टैंड। इसके लिए मैंने लिया है ग्लॉसी पेपर जो कि थिक है। इसमें मैंने राउंड्स बनाए हैं जो कि इस शेप के हैं। जो मैंने कैप्स लिए हैं ये इसमें 2 राउंड इसके सर्कल के बराबर होंगे और 2 बड़े होंगे। सो बड़े वाले को मैं इस तरीके से स्टिक करूँगी पहले। और फिर छोटे वाले को इसके अंदर स्टिक करूँगी इस तरह। अब दोनों तैयार हैं। मैंने लिया है ये टेप और स्टिक्स को इस तरह से स्टिक किया है और मास्किंग टेप से इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया है आफ्टर अप्लाइंग फेविकोल। नाउ इसको भी पेंट कर रही हूँ मैं वाइट कलर से। अब मैंने लिया है ये टिश्यू पेपर रोल और इससे मैं एक सर्कल कट कर रही हूँ। इसको मैंने वाइट पेंट किया है और इसको इस तरह से ग्लू किया है। अब मैं इसमें एक फ्लावर लगा रही हूँ और ये तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। See you in the next.